पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हर मौके पर केंद्र सरकार को कचघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब उन्होंने युवाओं में बेरोजगारी का मसला उठाया है। युवा कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर 9 अगस्त को राहुल गांधी ने बेरोजगारी का सवाल उठाया। ट्विटर पर जारी वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के युवाओं से ये वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत GST और फिर लॉकडाउन, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आदिवासी समुदाय की जीवन शैली में प्रगति के प्रति आस्था, प्रेम और सम्मान होता है, जिसे पूरा विश्व संरक्षण और मिलजुल कर रहने की सीख पाता है। हम सबको मिलकर इस सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना होगा। विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल राहुल गांधी लगातार BJP पर निशाना साध रही हैं। भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को लेकर भी तंज कसा था।